नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूँ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार मानसून को लेकर शासन द्वारा बाढ़ संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते बिजनौर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशों के क्रम में तहसील सदर के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे आने वाले बाढ़ संभावित गाँव में बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ सुरक्षा के दृष्टिगत बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इन बाढ़ चौकियों पर राजस्व कर्मचारियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। सभी ग्रामवासियों को गांव में मुनादी कराकर यह निर्देश दिए गए हैं कि वह गंगा नदी को पार ना करें तथा अपने पशुओं को भी गंगा नदी की तरफ ना ले जाएं। बाढ़ आने की गंभीर परिस्थितियों में तुरंत गंगा से दूर हो जाएं और पशुओं के लिए चारा लाने के लिए गंगा के आसपास ना जाएं। इस दौरान मस्जिद मंदिरों से ऐलान कराकर गांव वालों को सतर्क किया गया। सभी को सूचित किया जाता है कि गंगा पार ना जाए। गंगा में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन का फोन आया है कि गंगा में बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया है। सभी से निवेदन है कि अपना सामान लेकर तुरंत वापस लौट आए। ऐलान सुन लीजिए, ऐलान ये है कि कोई भी हजरात गंगा की तरफ ना जाए और अपने जानवरों को न खोले, क्योंकि गंगा में ज्यादा पानी आने का अंदेशा है। ना कोई अपने बच्चों को गंगा पर भेजे। गौर सुन लीजिए, कोई भी हजरात गंगा पर अपने जानवर न खोले और अपने बच्चों को न भेजे और खुद भी न जाए, क्योंकि गंगा में ज्यादा पानी आने का अंदेशा है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।